नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे आए हैं जोधपुर के अंदर जो BSF हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने जा रहा है, वहाँ पे इन कैंडिडेटों से हम बात करने वाले हैं कि क्या सिचुएशन रही है, कितनी तैयारी है, इन सभी क्वेश्चनों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखना है और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलते रहेंगे। तो एक एक कैंडिडेट से बात करते हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? परवीन यादव नाम भाई, झुंझुनू से आया हूँ। कहाँ से हो? झुंझुनू से आया हूँ। आपके लगभग मैंने वीडियो देखे हैं और देख के काफ़ी इंफॉर्मेशनल वीडियो थे, और मुझे लगता है कि आज होने वाले एग्जाम में उन वीडियो से मुझे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आपने जो इतनी मेहनत की है, वीडियो बनाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो जिस प्रकार से आपने देख रहे हो यहाँ पे कि भाई साहब बोल रहे हैं कि सारे वीडियो हमारे देखे हैं, और आप भी अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो देखना पहले वाले, और LSA की जो यानी पशुधन सहायक की भर्ती वाले जितने भी वीडियो है वो, या जितने भी कैंडिडेट है जो पशुधन सहायक की तैयारी करने वाले हैं, वो उस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे साथ जुड़े रहे। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी कैसी चल रही है आपकी? तैयारी काफ़ी अच्छी है, मेहनत की है, बाकी लक देखते हैं आज कैसा होता है। एग्जाम में बैठेंगे उसके बाद पता चलेगा कैसा है क्या है, बाकी अपनी तरफ से तैयारी पूरी है। तो फर्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट पेपर में क्या क्या अचीव किया या क्या क्या पढ़ा है आपने फर्स्ट पेपर के अंदर? फर्स्ट पेपर है, उसकी तैयारी की हमने, जिसमें मैथ रीजनिंग वगैरह उसकी भी अच्छे से तैयारी की है। तैयारी अच्छी है कुल मिला के। चलो नेक्स्ट कैंडिडेट से हम बात कर लेते हैं, क्या चल रहा है इनके साथ, कहाँ से आए हो? हाँ जी, मैं गांव शुरानी तहसील नोर जिला हनुमानगढ़ से, मेरा नाम अजय सिंह बाना शुरानी से हूँ। ठीक है, अच्छी तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई टेंशन है। आपके वीडियो भी मैंने सारे के सारे टोटल देखे थे, बहुत बढ़िया, अच्छी आपने मेहनत की है भाई, अच्छा वीडियो बनाया है, उसमें से लगभग 90% सिलेबस आ जाएगा। कितने सारे के सारे वीडियो देखे आपने जो वेटरनरी सब्जेक्ट है इनका, तो आप लोग भी देखिए। और फर्स्ट पेपर है, उनकी तैयारी कैसी है? हाँ, फर्स्ट पेपर की रीजनिंग बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी का है, थोड़ा सा नॉर्मल दिक्कत आएगी, और कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में भी कोई दिक्कत नहीं है, और जनरल एप्टीट्यूड्स में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। करंट अफेयर वगैरह वगैरह जो भी है, GK है, इंडिया GK है वो? हाँ, उसमें थोड़ा सा नहीं, करंट का थोड़ा सा पता नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है अभी। वेटरनरी में आपका जो आपकी क्लासें लगाई थी मैंने, उनमें बहुत बढ़िया मुझे नॉलेज भी मिला, और मैं भी आगे से आपको भी मैं एक अपना सहयोग दूंगा भाई आपके। चलो नेक्स्ट कैंडिडेट से बात कर लेते हैं। इन्होंने बताया, इन दो कैंडिडेटों ने अच्छे से बताया कि हमारे यूट्यूबर है, यूट्यूब पे पहले से जुड़े हुए, तो आगे भी देखते हैं नेक्स्ट। भाई साहब आपने पहले हमारे चैनल को देखा है क्या, वेट सक्सेस नाम से? देखा है। तो पहले वाले जो जितने भी वीडियो आपने देखे या नहीं देखे? देखे हैं, बहुत अच्छे वीडियो हैं, बहुत बढ़िया बनाए हैं, और विद्यार्थियों के लिए इसका फ़ायदा भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा जो भी इसको फॉलो किया है इस चैनल को। तो कहाँ से आए हो आप? मेरा गांव मुनस्त्री है, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ रास्ता। धन्यवाद। तो आपकी तैयारी, मतलब फर्स्ट पेपर है उसकी तैयारी कैसी है? सब्जेक्टिव पार्ट है उनकी, सबकी तैयारी अच्छी बता रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इनसे भी जान लेते हैं क्या है क्या नहीं है। उसकी तैयारी भी अच्छी है, और पेपर को किस प्रकार से प्रेशर वो हैंडल कर पाते हैं वो भी देखने वाली बात है। ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट से बात कर लेते हैं। भाई साहब यहाँ पे सुभाष जी बैठे हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। कब आए थे सुभाष जी आप? नाइट को आए थे। नाइट को आए? हाँ, बाय ट्रेन। हाँ, बाय ट्रेन। चलो सुभाष जी बोल रहे हैं बाय ट्रेन आए थे, और चूरू से? हाँ, चूरू से, चूरू तारानगर से। तो पहले हमारे वीडियो देखे या नहीं देखे सुभाष जी? आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बढ़िया है, बढ़िया वीडियो बनाते हो आप, बहुत बढ़िया है। टेस्ट पेपर की तैयारी कैसी है सुभाष जी आप? ठीक है, बढ़िया। हाँ ठीक है। नॉर्मल या फिर एवरेज? नहीं, एवरेज मानो थे। हाँ, तो यहाँ पे सुभाष जी बोल रहे हैं, ये तारानगर तहसील सुभाष सारण वाले जो गाँव है वहाँ से ही है, तो इन्होंने भी, इनका नाम भी सुभाष जी है, तो इन्होंने कहा कि हमारी जो फर्स्ट पेपर की तैयारी है वो नॉर्मल है, और जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो उनकी अच्छी तैयारी है। तो नेक्स्ट जो व्यूअर है उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? सोनू।
दोनों कहाँ से? मैं मेराना तहसील बादरा जिला हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से। आपकी जो सेकंड पेपर की तैयारी कैसी है, यानी सब्जेक्टिव पार्ट है उसकी तैयारी कैसी है? अच्छी है। अच्छी तैयारी है। तो हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं कर रखा? हाँ, किया हुआ है। किया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे व्यूअर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है लगभग। तो फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? एवरेज है। एवरेज। हाँ। और नेक्स्ट व्यूअर से बात कर लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद में कुछ उनसे भी बातें करेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? रवि। नोर से। नोर बादरा से। हनुमानगढ़। हाँ। कैसी तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी कैसी? एवरेज के अंदर ही है। जो सब्जेक्ट है उनकी तो बढ़िया है, बाकी वो रीजनिंग वगैरह की नहीं है ज़्यादा। हाँ, क्योंकि वो तो अभी सब्जेक्टिव तो इसका मतलब यही हुआ कि 10 से 15 दिन का टाइम यहाँ पे नोटिफिकेशन आने के बाद में मिला था, तो ज़्यादा कैंडिडेटों का जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो थोड़ा ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है जैसे मैथ, हिंदी, रीजनिंग या फिर जो जीके वाला पार्ट है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। हो सकता है इनमें अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो अपेक्षाकृत जो फर्स्ट सेकेंड पेपर है वेटनरी जो सब्जेक्ट है उनमें थोड़ी पकड़ है सभी की, ठीक है। नेक्स्ट जो व्यूअर है उनसे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं और हमारे जो चैनल है उस पर पहले से बने हुए हैं या नहीं बने हुए, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हो? हम झुंझुनू से। से क्या नाम है आपका? मनीष से। नहीं, जो LSA की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे, तो उसमें जो सब्जेक्टिव पार्ट और जो सेकेंड जो फर्स्ट पेपर होने वाला है जो GK का और उसका, उनकी तैयारी कैसी है आपकी? ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट भी और GK भी। मैथ रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, ठीक है। हाँ, कोचिंग की हुई है। एवरेज चल रहा है अभी है। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि एवरेज चल रहा है और इनकी जो फर्स्ट जो पेपर है उनकी भी ठीक तैयारी है और सेकंड जो पेपर है यानी सब्जेक्टिव जो पार्ट है उन पे अच्छी कमांड है। तो नेक्स्ट जो व्यूअर है उनसे भी बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। भाई साहब कहाँ से हो? नौखा से, बीकानेर से। नाम क्या है आपका? अशोक खिचड़। तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी ठीक चल रही है सर, सब्जेक्ट की पकड़ वैसे अच्छी है, बाकी मैथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। BSF को फाड़ दोगे अब की बार? कोशिश है। मतलब पेपर नहीं फाड़ने हैं वैसे? कोशिश जारी है वैसे, कोई दिक्कत नहीं। और फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसी है? बढ़िया है सर। बढ़िया। सेकंड की तो वैसे ही बढ़िया है। सब्जेक्ट की बढ़िया है। तो नेक्स्ट व्यूअर है उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। भाई साहब दूर से आए हैं, काफ़ी दूर से, ताकि सर्दी का माहौल भी है वैसे तो, दो दिन का सफ़र हो जाता है और आने और जाने में तो परेशानी तो वैसे भी होती है, और जो सेंटर है वो ज़्यादा दूर तो नहीं है रेलवे स्टेशन से, फिर भी देखते हैं क्या बोलते हैं। भाई साहब कहाँ से हो? मैं हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से। और क्या नाम है आप? चंद्र प्रकाश। जी। कैसी तैयारी कैसी आप? अच्छी है जी, बिल्कुल। पहले भी एग्ज़ाम दिया, DSSB वगैरह की, और बढ़िया। DSSB में क्या रहा था आपका? 113। और भाई साहब के जो है पंजाब वेटनरी इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वालिफाइड है और अभी ज्वाइनिंग बाकी है। भाई साहब से बात कर लेते हैं, उसके जो एक्सपीरियंस किस प्रकार का रहा था वो शेयर करेंगे थोड़ा सा। आप लोग जो पंजाब वेटनरी वाला है उसके बारे में बता दो, एग्ज़ाम की प्रोसेस है उसके बाद और DV तक। जी बिल्कुल, एग्ज़ाम जो उसको फॉर्म में इतना टाइम नहीं दिया था फॉर्म भरने के बाद तैयारी में, लेकिन उनका पेपर था वो इंग्लिश शब्द में था, पूरा इंग्लिश में, और मेरिट भी ज़्यादा आई नहीं थी, कैंडिडेट भी बहुत कम थे उसमें। कितने कैंडिडेट थे लगभग? फॉर्म भरे गए थे 2400 के आसपास और 1500 कैंडिडेट वहाँ पे प्रेजेंट थे, 1500 ने, और क्वालिफाई किया था लगभग 744 ने, 866 पोस्टें थी। तो ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पे क्वालिफाई नहीं हुए थे, एग्ज़ाम में भी नहीं बैठे थे और क्वालिफाई भी नहीं हुए थे। तो आपकी मतलब जो कितने मार्क्स बने थे लगभग आपके, जो यहाँ पे एंसर की आ गई थी, सारा काम हो गया, इसमें पंजाब वाले में कितने मार्क्स बने थे? मेरे 69 है। 69 मार्क्स जनरल में हुआ है? हाँ, जनरल में। हाँ, वैसे भी स्टेट अदर स्टेट। हाँ, अदर स्टेट जनरल में। हाँ, तो भाई साहब के सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इनके जो टेंथ के अंदर पंजाबी जो लैंग्वेज है वो बेसिक मांगी गई थी, वहाँ पे कंपलसरी थी वो। अगर आपके पास है तो आप भी पंजाब जो वेटनरी की वैकेंसी निकलती है उसमें अप्लाई कर सकते हो, चाहे किसी भी स्टेट से हो। तो आगे बात कर लेते हैं भाई साहब से, कहाँ से आए हो भाई साहब? मैं नौखा से आया हूँ। नौखा से। अभिषेक बिश्नोई नाम मेरा। तैयारी कैसी चल रही है आपकी? तैयारी बढ़िया चल रही है, वैसे LSA की तैयारी कर रहे हैं हम, और ये BSF का जो है फॉर्म भर दिया था तो इसके एग्ज़ाम देने आ गए थे तो देने आए हैं उसके बाद। तो जो वेट सक्सेस यूट्यूब है उस पर जुड़े हुए हैं? यूट्यूब पर हम जुड़े हुए हैं बराबर, आज भी हम बस में आते हुए आपका वीडियो देखा था, एनाटॉमी के वीडियो देखे थे, हॉर्स की एनाटॉमी देखी थी,
और वीडियोस के देखते हैं बराबर हम। क्या फायदा हुआ या नहीं? फायदा बेसिक नॉलेज मिला ही है उससे, कुछ 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 ज्ञान बढ़ा ही है उससे। बाकी एग्जाम में देखते हैं कितने क्वेश्चन उसके अंदर से आते हैं, कितने वो अपने को, जहाँ तक उम्मीद है कि हमको फायदा ही होगा, ये बात है। तो भाई साहब भी बोल रहे हैं, हाँ भाई साहब उनसे भी बात कर लेते हैं। ITBP में क्या नाम है भाई साहब? रविंद्र सारण, हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से? हाँ जी। और वेटनरी ITBP में? हाँ जी, वेटनरी ITBP में पिछली बार वैकेंसी आई थी ना, उसमें हो गया था कन्फर्म, लेकिन वो मेडिकल में थोड़ा दिक्कत के कारण वापस निकाल दिया। पिछली भर्ती में? हाँ जी। अब की बार क्या प्रोसेस रहेगा, आप थोड़ा सा बता दो। अब की बार इसमें अब जो होगा उसमें नहीं, उसमें हाँ उसमें पहले फिजिकल था, उसका फिजिकल वो क्लियर हो गया था, उसके बाद में इसका एग्ज़ाम हुआ था। लगभग कितने मार्क्स का हुआ था? उसमें लगभग 100 का था, लेकिन 100 का एग्ज़ाम था, उसमें से 60 गई थी मेरिट। हाँ मेरे 60 थे पूरे, जनरल में था उधर भी, DSSB में दिल्ली में जो एग्ज़ाम होता है उसमें जनरल में जाते हैं, अब उसमें मेरे 60 नंबर थे। तो मेरा वो मेडिकल के लिए पहले गया था, तो उन्होंने थोड़ा वेरिकोज वैन में दिक्कत थी उसके लिए निकाल दिया था। वापस दूसरी बार गए तो उन्होंने फिर भी वेरिकोज वैन वाला सही नहीं माना उसने, और उसमें निकल गए थे हम। क्या प्लान है आपका? नहीं अभी तो वो उसमें निकल ही गए थे वेटनरी में, मेडिकल नहीं उसकी, वहाँ के ज्वाइनिंग होगी, लेकिन मेरा तो मेडिकल में आउट हो गया ना। हाँ अब जो भाई साहब है ये आए हुए हैं, तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि इनका ITBP में हो गया था, लेकिन फाइनल में रहे थे ना। हाँ हाँ फाइनल मेडिकल में रहे थे, हाँ मेडिकल में रह गए थे, उसकी वजह से उनको जो है फेलियर हासिल हुई थी। लेकिन यहाँ पे है ये वेटनरी हेड कॉन्स्टेबल है BSF का, इनमें ये इनके जो परफॉर्मेंस है अच्छी रहने वाली है। इनकी से एक बार फिर से बात कर लेते हैं, क्या आपकी फर्स्ट जो पेपर है वो अच्छा है या नहीं? जी ये इसकी बार इस अब की बार दोनों पार्ट मेरे अच्छे हैं। पिछली बार भी मेरा जो सब्जेक्ट तो थोड़ा टफ आया था उनका, लेकिन वो दूसरा पार्ट मेरा बहुत अच्छा गया था। उसमें लगभग 50 में से मेरे लगभग 40 नंबर बन रहे थे उसमें, फर्स्ट पार्ट में जो सब्जेक्ट के अलावा था उसमें, और सब्जेक्ट में भी तो लगभग 20 या 25 एक नंबर बने थे, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत टाइट आया था उनका। भाई साहब से बात कर लेते हैं, भाई साहब कहाँ से हो आप? जयपुर। जयपुर से? हाँ जी। क्या नाम क्या है? अमित चौधरी। तैयारी कैसी आपकी? तैयारी ठीक है, अब पेपर देखने के बाद होता है क्या। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की? हाँ। तो सबसे पहले तो मैं YouTube चैनल की तरफ से, यानी वेट सक्सेस विद YouTube चैनल है उसकी तरफ से, सभी दोस्तों को जो भी एग्ज़ाम देने हुए किसी भी सेंटर पे हैं, उनका सभी का अच्छा पेपर हो और यही आशा करते हैं। इसी के साथ तो सभी दोस्तों को सबसे पहले मेरी तरफ से, यानी YouTube चैनल वेट सक्सेस की तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को, धन्यवाद, थैंक यू। साफ़ है।